अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ आसिफ अंसारी, वेलकम टू माय चैनल किरण फैशन इन। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा चकोर चाक का डिज़ाइन। चकोर चाक के अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे, चकोर चाक बनाना भी सिखाऊंगा आपको कि चकोर चाक किस तरीके से बनाते हैं, और उसके अंदर हम आपको डिज़ाइन भी बनाना सिखाएंगे। एक डिज़ाइन बनाएंगे हम चकोर चाक के अंदर। तो ये दामन है, मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, हमारी शर्ट पूरी तैयार है। तो ये दामन हमने पहले से देखा, दामन का डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन नहीं दिखा रहा मैं, बस ये दिखा रहा हूँ कि ये दामन है और मैंने बनाया डिज़ाइन। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे कमेंट्स में बताना दामन कैसा लग रहा है। बाकी मैं डिज़ाइन चाक के सिखा रहा हूँ आपको। तो हम इसके अंदर अपने चाक का डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले हमने कमीज़ पूरी तैयार करी हुई है, अपनी साइडें बन की हुई है, साइडों के क्या बोलते हैं यहाँ तलक इसकी सिलाई लगा ली हमने, पक्का कर लिया इसको। अब हम इसको नापेंगे कितनी है, ये हमारा पीस कितना है, तो हम इसको नापते हैं। ये है हमारा 18, 18.5 आ रहा है, ठीक है। सिलाई यहाँ पे बन करी है, वहाँ से लेके दामन तलक 18.5 आ रहा है। तो हम बुकरम को लेंगे 20 इंच का, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो बाद में कट हो जाएगा। तो हमने ये बुकरम ले ली 20 इंच की, इस पर निशान लगाएंगे और इस पीस को हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर निशान लगाया, ये बुकरम हमने काट दी। अब इसको हम 4 हिस्सों में फोल्ड करेंगे ताकि हमारे दो चाक के डिज़ाइन निकल जाएँ। इसको हम फालतू बुकरम को साइड पर रख देंगे। इसको पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस पे हल्की सी आयरन लगाएंगे गरम, ताकि ये आपस में हल्के हल्के से चिपक जाए, ताकि ये भागे नहीं और कटिंग भी अच्छी हो, वरना कटिंग बड़ी छोटी हो जाती है। तो हल्का हल्का हम इसको प्रेस मार के आपस में हल्का हल्का चिपकाएंगे, ज़्यादा नहीं चिपकाएंगे वरना ये इतने चिपक जाएंगे कि ये अलग भी नहीं होंगे। तो फिर आपका जो बुकरम भी ज़ाया हो जाएगी और मेहनत अलग ज़ाया होगी। फिर हम इसको इस तरीके से चिप कर देंगे, ठीक है दोस्तों, ये करा आपने। अब आपने इसको नापना है नीचे से लेके ऊपर तक, 18 आ रहा है ना, तो हम 20 ले लेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है ऊपर से, तो हमने ये 20 ले लिया, इस पर निशान लगा लिया। अब हमने इसको इस तरीके से रखा और एक स्केल, पूरा एक स्केल या एक स्केल से कम कर लें, मेरे को थोड़ा सा चाक के अंदर गेप ज़्यादा चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से ये ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने निशान लगा लिया, एक निशान यहाँ पे भी लगा लेंगे हम, और इसी तरीके से हम पीछे भी, हमारा फिनिशिंग के साथ सिलाई आई और खूबसूरत है, तो हम पीछे भी एप्लिक की तरह ही इसको उठाएंगे कि हमें पीछे एप्लिक करेंगे कपड़े को, आगे की तरफ नहीं पलटेंगे, ये हम चाक के अंदर की तरफ पलटेंगे। कंट्रास्ट कपड़ा, जैसे पाइपिंग का कपड़ा लगाते हैं तो हम पाइपिंग के कपड़े पे ही लगाएंगे। कमीज हमारी ग्रे कलर की है, तो हम ब्लैक कलर का जो हमारा उसमें पेंट आ रहा है, तो हम ब्लैक कलर के हिसाब से इसको पलट देंगे। तो ये हमारी पट्टी भी हो जाएगी पीछे की तरफ और हमारा डिज़ाइन भी हो जाएगा। हम इसको कर लेंगे कट। तो कट करने का तरीका तो आपको पता है कि ये पूरा यूँ कट करना है और ये कट करना है, तो मैं कट करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अभी हम इसको ब्लैक कपड़े के ऊपर जो हम आगे पलटेंगे, पीछे की तरफ पलटेंगे उसको, हम इस पीस को हम उस पर चिपका रहे हैं, ठीक है। इसको हमने इसको आयरन से चिपका लिया। अब हम इसको इसको पकड़ के फोल्ड करेंगे इस तरफ, ठीक है, और इसके ऊपर हम हल्की हल्की यूएचयू लगा देंगे। इसके ऊपर हम हल्के हल्के यूएचयू लगाएंगे ताकि ये ऊपर की तरफ पीछे की तरफ वापसी पलट के नहीं आए। तो हम इसको थोड़ी थोड़ी सी यूएचयू लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ये हमने यूएचयू लगा दी। अब इसको हम हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, और जब मैं यहाँ करूँगा तो आपको वो दिखाऊँगा दोस्तों। ये देखें, हमने दोनों तरफ से इसको प्रेस कर दिया, यूएचयू लगा दी। अब ये देखिए हमारा ऊपर का हिस्सा, इसको भी हम इस तरीके से साथ यूँ पलटेंगे, और इस पर भी हम हल्की हल्की यूएचयू लगा देंगे। और आप देखें, कोशिश करें ये साइडों से इस तरफ से ये फालतू कपड़ा यूँ नहीं निकले, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से अंदर की तरफ ही रखेंगे इन दोनों को, ठीक है, ये साइडों से ज़्यादा निकले नहीं। तो आप इसके ऊपर भी यूएचयू लगा लेंगे हल्की हल्की, और ये हो गया हमारा पीस चिपक गया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको कमीज़ पे लगाना, मैं आपको सिखाता हूँ कि कमीज़ पे किस तरीके से इसको अटैच करना है। कमीज़ की साइड है जहाँ पे चाक बन होता है, इसको हमने इस तरीके से बिल्कुल छीड़ लिया है, इसके ऊपर हमने इस तरीके लगाई है, ठीक है। इसके बाद इस तरीके, इसके बाद लगाने के बाद हमने क्या करा है, ये जितना दबाव, ये मैंने ये पाइपिंग के हिसाब से कटिंग किया हुआ था, उस हिसाब से मैंने इसकी क्रीज बिठाई है नीचे तक, इसको फोल्ड किया है। इसी तरीके से मैंने इस तरफ भी अपनी एक क्रीज बिठाई है, ये नज़र आ रही होगी आपको हल्की हल्की, इस तरीके से इन क्रीज़ों को मैंने यूँ पकड़ा है और इस तरीके से बिठा के इसकी क्रीज़ बनाई है। अब हम इसको सीधी तरफ यूँ पलटेंगे, अपनी कमीज़ को रखेंगे सीधी तरफ, ठीक है दोस्तों। और ये कोशिश ये करना कि ये दोनों मुखालिफ सिम में छिड़े रहें, ये आपस में टकराए नहीं, ठीक है।
तो आपने इसके ऊपर इसको इस तरीके से अटैच करना है। एक कट लगा लेंगे इसके अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे, और ऊपर की तरफ पक्का हुआ है, पक्के को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों एक कट मैंने इस तरफ लगाया है पीछे की तरफ, और इसको मैंने यूँ पलट लिया। कट लगाते हुए मैंने आपको दिखाया था, कमीज़ मैंने कर ली है सीधी ताकि आप लोगों को अच्छा सा नज़र आए। फिर इस कट को मैंने इसके ऊपर ऊपर बैठा दिया। अब पूरा इसके हिसाब से नीचे तलक लाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वो गोल हो रहा है, इसको होने दें, इसकी टेंशन नहीं लें, इसको यहीं वहाँ से बैठा लें, ठीक है। फिर अब इसको नीचे तलक इस तरीके से लिया। मेरे दामन छोटे बड़े इस वजह से, क्योंकि ये मैंने मोतियाँ वगैरह का डिज़ाइन दिया है, तो आगे का पीछे का दामन मेरा बड़ा जा रहा है, आपके तो ये बराबर ही आएंगे। तो ये मैंने मोती के डिज़ाइन की वजह से ऊपर नीचे करा है दामन को। इसको मत देखिएगा, इसका सेंटर करें। मेरा ये सेंटर पे निशान लगा हुआ है, मैं वैसे वाजा करके दिखा देता हूँ निशान आपको। ये सेंटर हो गया, इस सेंटर के इसके पीछे लगाएंगे हम थोड़ी थोड़ी यूएचओ, और इस सेंटर को हम जो हमारी सिलाई का सेंटर है जहाँ पे हमने कट लगाया था उससे बिल्कुल एक सूट ऊपर रख के इसको हम हाथ से प्रेस करके चिपका देंगे, ठीक है। अब हम दोनों को देखेंगे, दोनों नीचे तलक बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, तो हम यूएचओ से दोनों को पूरा इसको प्रेस कर देंगे। भले इसमें थोड़ी सी यूएचओ ज़्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये कटिंग में निकल जाएगा हमारा पीस। ये नीचे तलक हमने इस पर यूएचओ लगानी है, और अच्छे से इसको खुशक भी करना है। तो अगर जल्दी खुशक करना है तो इसके ऊपर इस्त्री रख दें आप, तो जल्दी खुशक हो जाएगा। वैसे तो 4-5 सेकंड में खुशक हो ही जाएगा। इस तरीके से आपने यूएचओ लगा ली। अब हम इधर इधर से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यूँ सिलाई लेंगे, यूँ घुमा के यूँ सिलाई लाएंगे, और इसको पलट लेंगे पीछे की तरफ, और एक सिलाई और लगा लेंगे, फिर हम बनाएंगे चाकू में अपना डिज़ाइन। दोस्तों इसको बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ के मशीन पर बैठना है, कहीं ऐसा होना यूएचओ निकल जाए और आपकी मेहनत हो जाए। तो आप इसको बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से इसको पकड़ के इसको मशीन पे रखें और इसको सिलाई लगाएं। अब सिलाई कंप्लीट करता हूँ मैं, इसके बिल्कुल एंड में आके आपको दिखाता हूँ जहाँ पे सिलाई घूमेगी। ये देखें, यहाँ पे आप लाके इसको इस तरीके से बिल्कुल एंड में हल्के हाथ से इसको अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग नाप लें पूरी सेंटर के हिसाब से, और इसको सिलाई को घुमाएँ, फिर इस तरफ आए बिल्कुल तरीके के साथ। इसको अब नीचे पूरी सिलाई कंप्लीट कर लें आप, तो मैं आपको पूरी सिलाई कंप्लीट करके कटिंग करके प्रेस करके दिखाता हूँ। देखें हमने सिलाई लगा दी है, अब हम इसके सेंटर से कट करेंगे, मगर कट करते वक्त आप एहतियात करिएगा कि कमीज़ का नीचे वाला हिस्सा नहीं कट जाए। तो आप देखते जाएँ इसको इस तरीके से, बल्कि मैं इसको यूँ रख लेता हूँ। अब इसके सेंटर में से इसको कट करेंगे, लेकिन अब आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ रहा होगा ये हमारी साइड है। इसको हम जो हमने पहले भी छीड़ा हुआ था, और अभी हम इसको छीड़ के ही रखेंगे साइड को, ठीक है। इसके एंड में आके हम एक कट यूँ लगाएंगे इसके, और एक कट इसके इस तरफ लगाएंगे, फिर इसको हम हटा देंगे। इसी तरीके से इसके अंदर भी एक पीस है, उसको भी हम खींच के हटा देंगे, जो हमारे फालतू पीस हैं जो हमने यूएचओ से जोड़े थे, ठीक है। ये हो गया, अब हम इसको प्रेस की मदद से पलटेंगे और इसको प्रेस करेंगे अच्छे से, और फिर लगाएंगे इस पर हम सिलाई। तो मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें, नीचे वाले एरिया को मैंने यूएचओ की मदद से थोड़ा सा झुका है, इसको फोल्ड करके, ठीक है, ये हमारे दामन के हिस्से में आएगा। फिर हमने यहाँ पर भी हल्की हल्की सी यूएचओ लगाई है, और इसको हम फोल्ड करेंगे और इसको चिपका देंगे। तो ये क्योंकि थोड़ा मोटा है, तो इसमें समोसे वगैरह लगाए थे मैंने, कपड़ा थोड़ा मोटा हो गया, तो इसको हम इस तरीके से अच्छे से पानी लगा के प्रेस से बिठाएंगे भी। तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ आपकी नोक बनाने का तरीका, ये ठोका जो बनेगा, ठीक है। देखें ये हमारा ऊपर वाला एरिया है, इस तरफ हम पानी लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके को ऐसे ऐसा ऊपर लेते हुए आएंगे, और इसको हम अच्छे से बिठाएंगे पीछे से, इस कपड़े को प्रेस से सही कर लेंगे इसको बिल्कुल, और हम इसको इन दोनों को चीड़ भी लेंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा अच्छे से बैठ जाए। और हम इसको बिठाने के बाद इसके पीछे हल्की हल्की सी यूएचओ भी लगा लेंगे, ताकि ये सिलाई करते वक्त उठे नहीं हमारा, ठीक है। दोस्तों आई होप कि आपको ये चाक का डिज़ाइन थोड़ा समझ में आ गया होगा, चाक पलटने का तरीका। अब हम इसके अंदर बनाएंगे अपने सिलाई लगाने के बाद चाक का डिज़ाइन,
तो मैं अब आपको डायरेक्ट डिज़ाइन दिखाऊंगा, सिलाई लगाना नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सिलाई लगाना तो आसान है, आप लोगों को पता होगा किस तरीके से लगेगी। तो मैं अब डिज़ाइन दिखाऊंगा आप लोगों को सिलाई लगाने के बाद। दोस्तों ये देखें, ये मैंने अपना चाक बना लिया, चाक पूरा पलट लिया। अब हम अपने चाक के अंदर ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम डिज़ाइन का सामान ये पड़ा हुआ, ये पट्टी पर मैंने सिलाई लगा ली, आधे इंच की मैंने पट्टी तैयार कर ली सिलाई लगा के। ये रिंग मैंने बनाए, 4 धागे डाले, 24 मोतियाँ डाली, गिठाई लगा दी और ये रिंग तैयार कर लिया मैंने मोतियों से। तो इसके बीच में धागा है खाली और कुछ नहीं है। तो हमने एक अंदाजे के हिसाब से ये पट्टी निकाली, यूएच ली, पट्टी को इसके अंदर से गुजारा और यूएच की मदद से दोनों पट्टियों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से इस वाले में भी यही करेंगे और इसी तरीके से सब ये करेंगे। तो मैं आपको ये सब पट्टियाँ लगा के फिर दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैंने ये तैयार कर लिए हैं अपने मोतियों के साथ ये पट्टियाँ, ठीक है। अब हम इसको अपने चाक के अंदर अटैच करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ और दिखा रहा था आप लोगों को, अगर आपको ये पट्टियाँ और ये डिज़ाइन नहीं बनाना हो अपने चाक के अंदर, कुछ टसल्स टाइप का डालना हो, तो मैंने एक टसल्स की वीडियो बनाई थी जो इससे पहले मैंने अपलोड की है, वो मैं आई के निशान पर भी दे दूँगा। तो ये मैंने एक टसल्स बनाया था, अगर आप यहाँ पर टसल्स भी टाँगेंगे तो ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा, ये जब चाक के अंदर बाहर होगा और ये बहुत प्यारा लगेगा चाक के अंदर जब इसको लटकाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये टसल की वीडियो देखनी है और ये टसल बनाना सीखना है तो ये मेरे आई के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं, टसल को रखते हैं साइड पे और डिज़ाइन बनाते हैं, इसको पहले सेट कर लें। दोस्तों ये देखें, आपने इसको अच्छे से सेट कर लें, बिठा लें, इसको पीस लें, अपना अंदाज़ा लगाएं कि कितना नीचे कितना ऊपर अच्छा लगेगा, उस हिसाब से आप इसको यूएचयू की मदद से चिपका दें। आपको क्योंकि पीछे वो व्हाइट कढ़ाई आ रही थी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, हो सकता है इस वजह से, मैं दूसरा भी लगा के दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से आप दूसरा रखें और तो इसको गैप देखें, गैप कितना चाहिए आपको, जितना आपको अच्छा लगे ऊपर नीचे करना, उस हिसाब से आप इसको चिपका दें। ठीक है, इसी तरीके से आप इधर भी यूएच लगाएं और इसको चिपका दें। अब तीसरा वाला भी लगाएंगे, मैं तीसरा वाला लगा के फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। मैं तीनों अपने ये डिज़ाइन इसमें लगा लिए, अब हम इस पर करेंगे स्टिचिंग। मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाता हूँ और सीधा करके कि हमारा डिज़ाइन लग के सारा। दोस्तों ये देखें, ये हमारा चाक का डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया है, हमने चकोर चाक के अंदर ये डिज़ाइन बनाया। तो आप लोगों को डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।